इस साल यानी 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में जो खेल दिखाया वो चौंकाने वाला था। सपा और कांग्रेस पार्टी के इस गठबंधन का मैजिक यूपी में कुछ इस कदर चला कि पिछले चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को भी इसने पीछे छोड़ दिया और इस बार का खेल पूरा पलट कर रख दिया। सपा कांग्रेस के गठबंधन को प्रदेश की 80 में से 43 सीटों पर जीत मिली और पिछले चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं बात अगर एनडीए की करें तो उसे कुल 36 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। यूपी में सपा के साथ गठबंधन कर दम दिखाने के बाद कांग्रेस की नजर अब मायावती पर है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का मानना है कि मायावती अगर उनके साथ होती तो इंडिया को 80 में से पूरी 80 सीटें मिली होती। इसी को देखते हुए प्रमोद तिवारी ने मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी को इंडिया ब्लॉक में शामिल होने का न्योता दिया है। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए प्रमोद तिवारी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बसपा प्रमुख मायावती महागठबंधन के साथ रही होती तो यूपी का रिजल्ट आज कुछ और होता। उन्होंने दावा किया कि बसपा अगर साथ होती तो इंडिया ब्लॉक 80 की 80 सीटें जीत लेता। प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि महागठबंधन ने अपनी ओर से बहुत कोशिशें की थी कि मायावती की पार्टी साथ आ जाए, लेकिन उन्होंने अकेले चलने का ही निर्णय लिया था। प्रमोद तिवारी ने बताया कि हम हाथ पर गिनकर बता सकते हैं कि बसपा अगर हमारे साथ होती तो 16 सीटों पर नतीजे आज कुछ और होते। जिन सीटों पर हम हारे हैं उन सीटों पर बसपा के उम्मीदवार इतना वोट पा गए थे जितने मिल जाने पर हम जीत कर सकते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा कि मायावती को हमारी यही सलाह है कि अगर बीजेपी को हराना चाहती हैं तो महागठबंधन में शामिल हो जाएं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस के नेता लगातार ये कहते रहे कि हमारे दरवाजे बसपा के लिए आखिरी दम तक खुले रहेंगे, लेकिन मायावती ने एकला चौलो का नारा दे दिया था। लोकसभा चुनाव 2014 की बात करें तो बसपा 0 पर सिमट गई थी, तब भी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। वहीं 2019 के चुनाव में बसपा और सपा साथ आए, बसपा गठबंधन में 10 सीटें जीत गई और सपा 5 की 5 पर हार गई। चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद मायावती ने ये कहते हुए गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था कि सपा के वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुए। बसपा 10 साल बाद फिर से उसी तरह की सिचुएशन में है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से बसपा को तो न्योता दे दिया, मगर अलायंस में अखिलेश का रुख क्या रहेगा इस पर सबकी नजर होगी। 43 सीटें जीतकर सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है इंडिया अलायंस, फिर कांग्रेस क्यों चाहती है कि बसपा भी उसके साथ आए? दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक सीट पर एक उम्मीदवार का फॉर्मूला दिया था। यूपी में बसपा के गठबंधन से दूर रहने की वजह से ये फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया, फिर भी इंडिया ब्लॉक 43 सीटें जीतने में सफल रहा। एनडीए उतनी सीटें भी नहीं जीत सका जितनी अकेले सपा ने जीती है। अब कांग्रेस नेताओं को शायद लग रहा है कि सपा के साथ अगर बसपा भी इंडिया ब्लॉक में आ जाती है तो राज्य में बीजेपी और कम सीटों पर रोका जा सकता है।